डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन को निस्तनाबूद किए जाने के विरोध में सोमवार को रिपब्लिकन पक्ष की ओर से संविधान चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक आंदोलन किया गया। इस दौरान पक्ष की ओर से जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अम्बासरी स्थित सांस्कृतिक भवन को तोड़े जाने के विरोध में सोमवार को रिपब्लिकन पक्ष की ओर से संविधान चौक पर आंदोलन किया गया। इस वक्त उनका कहना था कि हमें आशा थी इस भवन का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, लेकिन इसे निस्तनाबूद किया गया। सरकार को इस बारे में पूछे जाने पर उनकी ओर से जवाब आया कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं बालू घरडे रिपब्लिकन पक्ष का एक कार्यकर्ता, पिछले दिनों अम्बाझरी स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन को नेस्त नाबूद किया गया, उद्ध्वस्त किया गया। यह भवन किसने तोड़ा ये मालूम नहीं। महानगर पालिका उस भवन के ऊपर में उसका कमांड था, मेंटेनेंस महानगर पालिका कर रही थी। महानगर पालिका ने एमटीडीसी को यह भवन, यह जमीन हस्तांतरित किया और उस जमीन पर हमें लगा अच्छा भवन बनेगा, अच्छा सौंदर्यीकरण होगा। लेकिन बाबा साहब का वो जो सांस्कृतिक भवन था, जिस भवन को तत्कालीन आरपीआई के नेताओं ने और महानगर पालिका के महापौर ने बाबा साहब के धम्म क्रांति के उपलक्ष में वो भवन निर्माण किया था, यहाँ की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार ये बोल रही है कि हमें वो भवन कैसा टूटा, क्यों टूटा, ये पूरा मालूम नहीं है। हमारा यह आरोप है, यह जातिवादी मानसिकता से यह भवन टूटा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जातिवादी मानसिकता के कारण ये भवन टूटा है और जमीन के उपयोग के लिए भवन को तोड़ा गया है। इस कारण आम्बेडकरी जनता को ठेस पहुंची है। उन्होंने मांग की कि जिसने भी ये भवन तोड़ा है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और उस जगह भव्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन बनाया जाए। बता दें कि इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़, नागपुर।